अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अम्यूज़र स्टूडियो की तरफ से मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ज़ीशान अमजद। और आज की जो वीडियो होगी वो हमारी होगी शिगर वैली पे, जहां पे हम देखेंगे शिगर फोर्ट। तो बहुत ही ज़बरदस्त जगह है ये शिगर वैली, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पुरसकून जगह है शिगर वैली। तो चले आएँ आज के अपनी एपिसोड शुरू करते हैं और चलते हैं शिगर वैली। इस टाइम हम शिगर फोर्ट, सरीना शिगर फोर्ट के अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये टिकट लेनी पड़ती है, ये वाली, जिसकी कीमत है 400 रुपया, और आपके पास मास्क होना चाहिए और आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर आपकी बिल्कुल भी एंट्री नहीं है। तो चलें आगे चलते हैं। ये व्यू इसका, एक्चुअली ये जो पोर्शन है ना, दिस इज़ द आवर फर्स्ट एंड हिस्टोरिकल पोर्शन ऑफ द फोर्ट। सर ओरिजिनली इसे फोंकर के नाम से पुकारा जाता है। फोंकर इज द लोकल लैंग्वेज, फोंग मीन्स सर ये इस बड़ी चट्टान को कहते हैं, बिग रॉक, एंड खैर मीन्स फोर्ट और पैलेस को कहते हैं। तो इस पत्थर के जो वेथ है अप्रॉक्सीमेटली 50 फीट थ्रू आउट द फाउंडेशन, और इसकी जो हाइट है वो मोर देन 6 मीटर। एंड दिस फोर्ट फर्स्ट पोर्शन कंस्ट्रक्टेड ऑन इट ड्यू टू इट इज़ कॉल्ड पैलेस ऑन द रॉक। सर ये 1634 सेंचुरीज में बनाया था, राजा हसन खान अमाचा ने, वो शिगर का रूलर था। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंडीशन फोर्ट बिकेम वर्स, दैट इज़ वाई अवर रिसेंटली राजा आजम खान इज लिविंग हाउसेस अक्रॉस द रोड। सर जी दे आर इट्स फोर्ट डोनेटेड टू पीपल ऑफ बल्तिस्तान, गिफ्टेड टू कम्युनिटी। आई हैव टू प्रेजेंट दिस। एक्चुअली ये राजा का रॉयल सिक्योरिटी वॉच टावर था। यहाँ से डायरेक्टली मेन गेट के ऊपर नज़र रखे जाते थे। इसके अलावा ये वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ होती थी। इसको अभी कन्वर्ट किया है रिसेप्शन ऑफ द फोर्ट में। सर इन्होंने ब्रॉक के वैरायटी ऑफ आर्ट्स, गोल्ड स्मिथ, टेक्सटाइल वीवर्स, कारपेंटर्स फ्राम कश्मीर टू शिगर वैलीज टू बिल्ड हिज फोर्ट पैलेसेस। दिस रिजल्टेड इट्स ब्लेंड ऑफ कश्मीरी इन्फ्लुएंसेस कार्विंग विद द लोकल बल्ती इन्फ्लुएंसेस कार्विंग। ये जो फर्स्ट वन है ना, ये बुद्धिज्म का मजहबी अलामत है, यू नो जस्ट लाइक चाइनीज ड्रैगन। यहां से दिस साइन ऑफ इंफिनिटी, हां सर, पे बैठ हो जाए ये इंफिनिटी। ये अशोक का है सर, अशोक चक्र हिंदुइज्म का रिलीजियस पैटर्न है, ये इस्लामिक सूफीज्म का रिलीजियस पैटर्न है। क्योंकि टू डव्स स्मेलिंग वन फ्लावर, डव्स मीन पीस, पीस मीन सूफीज्म। क्योंकि बिफोर 14th सेंचुरी दिस होल एरिया वॉज बुद्धिज्म, देन 14th सेंचुरी में शाह हमदान आए थे, इन्होंने इनकी तबलीग से ये कन्वर्ट हुई इस्लामाइजेशन में। फिर ये सूफी सी सैम्पल आ गया, ये भी बुद्धिज्म का साइन है, ये लोटस इससे आगे वाला सनराइज है।
ये तवा है उस वक्त की, हॉट प्लेट फॉर चपाती, फॉर पराठा, फॉर ऑमलेट. द 16 वन इज वुडन स्पोर्ट यूज्ड टू टेक इन फॉर ऑयल. ये स्टोन पोट है, आटे के लिए यूज होती थी. ये दोनों ऑयल लैम्प है, ये केटल है, सर्विंग स्पून है, ये भी ऑयल लैम्प है. यहाँ पर खातन की आर्मी में पुराने जमाने में अवर लेडीज. इसमें महाराजा अपने बच्चों के ड्राई फ्रूट रखे जाते थे काफी क्वांटिटी में आ रहा है. एंड दिस इज द ज्वेलरी बॉक्स ऑफ द क्वीन. एम्प्टी, बाय मी वन पीस. एम्प्टी है, एम्प्टी है सर. यहां पे क्वीन की ज्वेलरी होगी अंदर आज. हां, ये गिली डंडा है, देखिए. दिस इज द स्टोरेज बॉक्सेस फॉर ग्रेन्स. व्हाट फॉर फ्लोर मॉम? दिस इज स्टिल वी यूज इन आवर होम. वी कीप फ्लोर इनसाइड बट देन वी प्रेस टू फ्लोर. Then we take one corn and so no corn go humidity, moisture and sap inside because we cross a wood, you know, कि इस wood में fix हो जाती है, जिसकी वजह से air tight हो जाती है और ये पूरे soft. सर एक्चुअली दिस वॉज द फैमिली किचन ऑफ द रूलर्स प्लस डाइनिंग हॉल ऑल्सो. गरम गरम खाना जो है यहाँ पे सर्व होती थी. सो ये जो रग है ना, दिस इज द लोकल रग. इट इज मेड ऑफ यॉक हेयर, कव हेयर एंड गोट हेयर. इट इज वेरी स्ट्रॉन्गर कार्पेट. सो इसमें आग लगाई जाती थी, यहाँ पर खाना बनाई जाती थी, यहाँ पर गीला लकड़ रखे जाते थे ताकि ये ड्राई हो जाए एंड स्मोक सुपर चिमनी में चली जाए. ये मटका है पानी का एंड दिस इज द ऑयल लैम्प. यहाँ से एप्रिकॉट ऑयल पुट किए जाते थे, सो यहाँ से कार्टन पुट किए जाते थे, ये कहीं हैंग किए जाते थे, ये रोटेट में चलती थी, बहुत मजे की लाइटिंग देते. सो दीज आर द बटर पॉट. ये हमारी चाय शेकर है. यहाँ पे नमकीन चाय बनाई जाती है, यू नो, जिसमें साल्ट भी डाले जाते हैं, सोडा भी डाले जाते हैं, मक्खन भी डाले जाते हैं, दूध भी डाले जाते हैं. सर ये सारी चीज़ें डालने के बाद चाय को सर इसके अंदर अंडेल दी जाती है, फिर इसको थोड़े से शेक किया जाता है एस्प्रेसो कॉफ़ी की तरह, तो इसमें क्वालिटी टेस्ट एंड कलर आ जाते हैं. आफ्टर डेट सर चाय को उधर से इधर शिफ्ट किया जाता है, यहाँ से कोयला डाले जाते हैं, तो इसकी चिंगारी और रॉक जो है नीचे उतर जाती है और चाय उबलती हुई साफ हो जाती है. सो दीस आर द वाटर पॉट, हॉट पॉट, ये बटर पॉट, ये दसला, ये कुकर है, ये कुकिंग पॉट है, ये हमारी लोकल प्रेशर कुकर फेमस है. वेट सिस्टम है, ये तकरीबन 260 के है. आप होटल वालों को बता दें नमकीन चाय बनाए, वो आपको बना के देंगे. ये सब चीज़ें कितनी पुरानी है? ये 250 साल पुरानी चीज़ें हैं, हमने राजा से ऑन लॉन लिए. और ये जो रख है ये हमारी लोकल रख है. इट इज मेड ऑफ यॉक है, कव है एंड गोट है. इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बुर्ग. चलो ये सारे आपके रूम्स हैं? ये होटल के गेस्ट रूम से ये नया बना. और ये बारंदरी? हाँ, मैं आपको दो नहीं आती हूँ सर. ये एक्चुअली ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं इसके तरह एक झलक देखें, ये अंदर से बिल्कुल ही खोखला है क्योंकि इसमें आफ्टर 300 ईयर्स मैडम इसके अंदर आग लग जाती है, लग चुकी है, क्योंकि इसमें फास्फोरस पैदा हो जाती है एंड हाइड्रोजन पैदा हो जाती है. वो जब ऑक्सीजन से हो जाती है उसकी रिएक्शन में आग लग जाती है, फिर इससे बुझाई जाती है तो फिर ये जवान हो जाती है. फिर ये 300 ईयर्स और जी 600 ईयर्स तक तो सर इसकी जवानी की लाइफ चलती है. अभी ये जवान है
आफ्टर 600 years इसकी जवानी और बुढ़ापे में चले जाते हैं। ये बूढ़ा होते होते 300 and 400 साल और लग जाती है सर। ये 1000 years जी सकते हैं। इसको चिनार कहा जाता है। चिनार इज़ द पर्शियन वर्ड। ची के मतलब है हाउ, कैसा। नार मीन फायर। हाउ इज़ द फायर। इसमें खाते से चिनार जैसे सकते। ये अंदर से बिल्कुल ही खोखला है। अंदर 4 आदमी बैठ सकते हैं, इतना होलो इसके अंदर है। और साथ ही 12 दरी आप देखें। ये एक्चुअली 12 दरी है। 12 दरी का मतलब 12 दरवाजों वाले। सो यहाँ पर 12 ओपन डोर हैं सर। बेसिकली ये राजा का रिफ्रेशमेंट प्लेस थी। आफ्टर अपोलो मैच राजा यूज टू रिलैक्स इनसाइड। कालीन बिछा के तकिए लगा के फुल ऑफ वाटर के बीच में राजा जी बैठे बोलते थे। बाहर इनका म्यूजिकल शो चलती थी। सो इट्स लावर पोर्शन इज अप्रॉक्सीमेटली 20 years ओल्ड। इट्स ऊपर पोर्शन वाज टोटली डिमोलिश्ड। दैट इज व्हाई इट इज रीजन। सर ये मार्बल की जो कॉलम है ना, ये ओरिजिनल कॉलम। बाकी जो मार्बल के जो कॉलम है वो सारे लेटेस्ट फॉर्म है। आप उसके चक्कर लगा दो। और इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड खत्म होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।